आप मुनिश्री को श्रीफल अर्पण करें। अपना एक 5 मिनट के अंदर अपना बात रखेंगे। आज मैं मन के अंदर एक मेरे बड़े भावुक भी हूं और ऐसे महाराज के दर्शन करके बड़ा खुश भी हूं। और आज हमारे वो पिता समान, हमारे बड़े भाई जिन्होंने पूरे राष्ट्र की, मातृभूमि की, मानवता की, गरीबों की सेवा के लिए उनके पूरे परिवार ने, चाहे वो जानवी जी हो, मेरी ताई बहन जी हो, दिल के साथ पूरा राष्ट्र घूमता हूं पर यहां आके रुक जाता हूं। जो मानवता की सेवा, धर्म की सेवा, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे जैन धर्म ने सिखाया है, हमारे गुरुओं ने सिखाया है, उनके रास्ते पे जो मैंने अपने जिंदगी का अनुभव किया है उसके ऊपर वो पूरा चले हैं। और सबसे बड़ी खुशी एक होता है आके भाषण देना और चले जाना। मैं जैन समाज के धर्म से बहुत ज्यादा जुड़ा हूं। मैंने काफी वर्ष पहले एक हनुमान जी के मंदिर बालाजी मेहंदीपुर में हर साल जाता हूं। गुड़गांव के आगे एक जंगल था और मेरी पुलिस की गाड़ियों का काफी लंबा काफिला था। हमारे ऐसे गुरु जी, गुरु समाज के, जैन समाज के हमारे गुरु जा रहे थे। आगे एक झंडा था, पीछे कुछ श्रद्धालु थे, उनके पीछे हमारे गुरुजी थे। मैंने अपने दोस्त को पूछा ये किस पॉलिटिकल पार्टी का झंडा है। उसने कहा ये पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं, ये जैन समाज का वो झंडा है। मैं जैसे ही देखा अपने वो गुरु, अपने जैन समाज, तन पे कुछ नहीं, कड़क सर्दी, हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियों में कोट पहने हुए गर्म हमें सर्दी लग रही है। हमारे वो गुरु नंगे पांव, सर्दी नहीं लग रही, जा रहे। मैं कहा रुको, गाड़ी रुकी, मैं कहा चला दो। कहता गाड़ी रुकी, गाड़ी चला दो। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है जो मैं सीखा है, मैं गुरु देखे हैं। मैंने कहा मैंने गाड़ी इसलिए नहीं रोकी, अगर मैं गाड़ी रोकता हमें तो भाई सर्दी लग रही है। अच्छा, हमारे कमांडो को भी सर्दी लग रही, हाथ में दुस्ताने हैं, महाराज को सर्दी नहीं लग रही। मैंने संतों को देख लिया, उनके चरणों को देख लिया, अगर मैं रुक जाता सारे मेरे 50 कमांडो उतर के कर जाते, उनकी तारे भगवान के साथ जुड़ी हुई, नंगे पांव पत्थरों के ऊपर चल रहे, उनको कुछ नहीं हो रहा। मैंने भगवान के दर्शन कर लिए, उस दिन के बाद मैं समाज के चरणों में लग गया। ललितपुरी का